हम अभी ना भागलपुर से जो सिलीगुड़ी टूर सिलीगुड़ी जा रहे हैं, इतना इतना मतलब खेती, इतना ग्रीनरी है, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करूं। मतलब ज़मीन मैंने कहीं पे थोड़ा सा खाली नहीं देखा कि कहीं पे खेती नहीं हो रही है। मतलब और ज़्यादातर ना, मतलब पता नहीं वो नीचे तो क्या बादाम या आलू या गोभी कुछ ना कुछ तो है, लेकिन जो लंबा लंबा दिख रहा है ना वो सब कॉर्न है, मतलब मकाई का है। और बहुत बहुत ज़्यादा दोनों तरफ एकदम भरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब पूरा बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा था मेरा। ये देखिए पूरा भरा हुआ है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपको अब देख के पता चल गया ना कि हम लोग पहुंच गए सिलीगुड़ी। क्योंकि देखिए पूरा कितना सुंदर टी गार्डन सब है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रुके थे, थोड़ा देर रुक के ये सब मैं देख रही थी। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं कभी नहीं देखी हूँ, मतलब मेरे लाइफ में आज तक मैंने कभी ऐसे टी गार्डन नहीं देखा है। तो इसलिए देख के मैं थोड़ा सा रुक गई, क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है ये टी गार्डन का। और ये पूरा रास्ते के ऊपर मतलब नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं जो कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ देखते हैं ना तो कुछ अजीब सा लगता है। अरे वाह कितना सुंदर, पूरा रास्ते के पास में ही तो है, हम लोग देख देख के जा रहे हैं। कुछ अजीब सा फील हो रहा था, बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। वैसे मैं ऐसे इमेज सब देखी हूँ नॉर्मली सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का, लेकिन आँखों के सामने देखना कुछ अलग होता है। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो कंटिन्यू वीडियो ऑन करके जा रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो रहा था कि टी गार्डन के बगल से हम लोग रास्ते में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। बेबी को वो खाएगा? हाँ, खाना बनाएंगे। खाना बनाए हो तुम? तो अभी हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी के होटल में। और आते ही हम लोग पहले फ्रेश होके निकले थे घर देखने, क्योंकि मैं घर नहीं देखी थी। घर देख के अभी आ गए हैं हम लोग, फिर रात का डिनर कर रहे हैं। अभी घर का वीडियो मैंने अभी नहीं ली है, फिर हम लोग जाएंगे नया घर। उपमा तो वेरी गुड, खाली वाइट उपमा बनाना। नो, वाइट उपमा अंकल नहीं बना सकते, वो तो मामा घर में बनाती है। वो येलो उपमा ही बनाएंगे, ठीक है? मैं बोल दूंगी मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं बोल दूंगी अंकल को, फिर वो वैसा ही बना देंगे, ठीक है? विदाउट चिली। ना मुझे चिली वाला नहीं है। चिली वाला नहीं चाहिए ना, तो मैं वही बोली विदाउट चिली। गुड मॉर्निंग जो है ना वो गुड नहीं होता है मेरा जब तक एक गर्मा गर्म बढ़िया सा चाय ना हो। और चाय के बिना सच में मैं तो सुबह मेरा अच्छा नहीं होता है। अब हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं जाने के लिए घर,
और मैं आपको अभी दिखाऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे से मैं नहीं दिखा पाऊंगी, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतना बिखरा पड़ा है, हर जगह खाली कार्टून सामान से भरा हुआ है। वो ऐसे ही मैं दिखाऊंगी आज, लेकिन मैं बाद में मतलब मेरा घर जब सेट हो जाएगा तो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी कैसा है घर। घर तो खैर नो डाउट अच्छा है, लेकिन अभी दिखाने के हालत में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा तो पक्का शेयर करूंगी आप लोगों से। तो अभी मेरा बहुत काम तो हुआ नहीं है, बस यहाँ पे मैं भगवान को रखूँगी। ये दिशा बहुत अच्छा है, मतलब जैसे मैं मेरी घर पे पूछी थी ना, तो वो नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, तो ये वही साइड है और ये बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे इसे अलमीरा वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये भगवान के लिए जगह बहुत अच्छा लगा, एकदम मेरे जो मंदिर है बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैंने बस भगवान का हर चीज़ वहाँ पे रख दिया है, खाली कार्टून मंदिर खाली खोली है। अब धीरे धीरे जब मैं आऊँगी, धीरे धीरे सामान ठीक होगा, उसके बाद मैं सेट करूँगी सब। और यहाँ पे जैसे मेरा ना ये वाला कांच का जो अलमीरा है ना, ये टूट गया है यहाँ का। ये जैसे चारों ओर कांच था, जैसे पूरा पीछे तरफ खाली था वो काठ, नहीं तो ये तीनों साइड उसका पूरा कांच है, उसके अंदर वो लोग गद्दा रख दिए हैं। तो यहाँ पे ना इस तरफ जो कांच है वो टूट गया है, काफ़ी पतला भी है इसका कांच, तो इसलिए टूटने का डर भी था मुझे थोड़ा। तो हर जगह देखिए कार्टून ही कार्टून है भरा हुआ है। तो जब तक हम लोग इतना दिन तो होटल में रुके कि धीरे धीरे आके सेट करेंगे, लेकिन नहीं हुआ हम लोगों को, कल मैं आ जाऊँगी, ऐसे कल दिन अच्छा है तो इसलिए मैं कल ही आ जाऊँगी। और ये एक रूम है जहाँ पर ये मेरी बेटी की ही रूम होगा ये, तो यहाँ पे ये जैसे कवर किया हुआ है ऐसे। हाँ, घर तो अच्छा ही है। और ये वाला उसका एक रूम होगा, और वो अपना बेबी को पहले वहाँ पे सुला दी है। और फिर यहाँ पे ये है मास्टर बेडरूम, जब अच्छा से मैं कर लूँगी ना सेट, उसके बाद ये घर अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरा दोनों टीवी जो है ना, उसको रजाई के अंदर उसको लपेट के लाए थे, तो ये यहाँ पे रखे हैं। बेडरूम से यहाँ पे एक चेंजिंग रूम है, और इसी चेंजिंग रूम से बाथरूम जाने का रास्ता है। तो ये चेंजिंग रूम में ही दिया गया है कबर्ड, जो कि काफ़ी बड़ा है, एकदम सीलिंग से लेकर नीचे तक है, और काफ़ी स्पेस दिया हुआ है इसमें। मैं खोल के दिखा रही हूँ, देखिए बहुत अच्छा स्पेस है। और देखिए ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन ये कोई धूल नहीं है, एक्चुअली ये घर पूरा नया है, मतलब हम लोग फास्ट ही इसमें रह रहे हैं। तो इसका जो मतलब देखिए पूरा उसका जो है ना पैकिंग जो होता है, मतलब जो पॉलीथीन है जो उसमें, एकदम नया है, तो सब चीज़ उसमें नया ही लगा है। तो ये चीज़ उसका उठाया भी नहीं गया था पॉलीथीन। और यहाँ पे देखिए ये है उस मतलब जो हॉल है ना, ये मतलब डाइनिंग और लिविंग दोनों मतलब ये एक ही हॉल है ये। और ये देखिए मेरा मन बहुत दुखी हो गया इसको देख के, जो यहाँ पे एक टूल के ऊपर, जो लोग पहले से ये वीडियो देखे हैं ना उनको पता है कि मेरा एक मेरा लिविंग रूम में रहता था, तो ये बुद्ध का जो हेड है वो पूरा टूट गया, और ऐसे टूटा कि उसका कुछ नहीं हो सकता, फेंकना ही पड़ा, पूरा एकदम चूर चूर हो गया है। और ऐसे भी उसको रखते नहीं हैं घर में, तो उसको अभी फेंक देना है मुझे। तो ये बहुत ख़राब लगा मुझे इसको देख के। यहाँ पे मेरा बालकनी, जो कि ऐसे स्लाइड वाला डोर है कांच का, ये पूरा ऐसे लग जाएगा, तो ये ऐसा ही है, बाद में मैं दिखाऊंगी ये सब। और यहाँ पे मैंने ऐसे पेड़ का जो मेरा प्लांट्स है सब सूख के हालत टाइट है, अभी मैं पानी दे के फिर जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल होटल में हम लोग 3-4 दिन से रुके हैं, बीच मैंने सुबह से आके काम करके फिर होटल जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा, देखिए टॉय ट्रेन, ये मजा आ रहा है बेटा। यस, और ये देखिए ऐसे हमारे घर के सामने से, मतलब मैं ये अभी बालकनी से ले रही हूँ, और घर के सामने जो रास्ता है उसके ऊपर ये टॉय ट्रेन चलता है, उसका पटरी है वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। नाइस। और यहाँ पे ये जो है वो ये सोसाइटी का एक छोटा सा पार्क है बच्चों लोग के लिए,
बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब जैसे स्लाइड है और ये ऐसा कुछ स्विंग है। तो ये बहुत अच्छा लगा था, सोना को बहुत अच्छा लगता है। वो डेली मतलब होटल से जितना दिन वो हम लोग रहे हैं ना, वो डेली मतलब आते ही पहले जाएगी पार्क में, फिर जाने के टाइम पे जाएगी। तो अभी हम लोग बस उसको थोड़ा सा खेलना है, खेल के फिर हम लोग फिर जाएंगे होटल में। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा तो बहुत अच्छा मैच हो गया है सोना, रेड रेड देखो तुम्हारा पिलो, देखो तुम्हारा वो जो कुशन है देखो। हाँ अब चले, हो गया होटल में रहना तुम्हारा। और कुछ दिन रहते क्या, और कुछ दिन रहते तुम? नहीं ना, अब घर चलते हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ नहीं हम रहेंगे ना, हम घर पे ही रहेंगे। अब घर पे ही रहेंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे ना, हम घर पे देश काम करेंगे। हाँ बहुत सारा, बहुत सारा काम है घर में। सब सामान पैक कर लिए ना? हो गया पैक? मोबाइल ले लिया, बेबी ले लिया, मास्क ले लिया, और मोबाइल ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, और पापा चले गए, पापा चले गए नीचे। तो अब फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही काम शुरू। और जितना भी मतलब कार्टून है वो सब कपड़ा उपड़ा का ही है, ज़्यादातर हम लोग कर चुके थे बड़ा बड़ा सामान। तो अभी बस वो सेल्फ में जो है वो सब पेपर लगा के सब अभी कार्टून सब ठीक उतारना है, मतलब कपड़ा सब, और सेट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।